लोकसभा कुशीनगर के हाटा विधानसभा में हाटा के विधायक पवन केडिया ने अपने बूथ संख्या 302 पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने दोबारा मोदी सरकार बनने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद विपक्षी पार्टियों को जवाब भी मिल जाएगा। कुशीनगर में प्रियंका गांधी के रोड शो के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया, वो कुछ नहीं कर पाए। किसानों को 72,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी की केवल जुमलेबाजी है। आगे विधायक पवन केडिया ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास किया है और गन्ना किसानों की समस्या पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से बात करके उनका समस्या का हल करा दिया जाएगा। मतदान स्थल पर महिला और पुरुषों की काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन मतदान स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। मतदाता चिलचिलाते धूप में लाइन लगाकर खड़े थे, महिलाएं भी खास परेशान दिखाई दी। मतदान स्थल पर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं होने से मतदाता व सुरक्षा कर्मी भी परेशान दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जनता का रुझान तो एक तरफा हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरकार आएगी, विपक्षियों को जवाब मिल रहा। अभी चुनाव होने से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी आई है, क्या असर लग रहा है? प्रियंका गांधी कोई असर है? राहुल गांधी आके पंच चीटिंग मिलों को चलवाने की बात कहें तो जो उन्होंने 70 सालों तक इस देश पर शासन किया, नहीं चलवाया, अब वो एक जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। जिस तरह 72,000 खातों में देंगे, उनकी एक जुमलेबाजी थी, तो जुमलेबाजी है कुछ है नहीं। कुशीनगर में गन्ने को लेकर काफ़ी किसान नाराज चल रहे हैं, कई जगह चुनाव बहिष्कार की भी सूचना है। समस्याएँ थोड़ी सी गन्ने की है, पिछले साल से इस साल क्षेत्रफल बढ़ गया गन्ने का। मिलें पिछली सरकारों की देन है कि सभी मिलें बंद होती चली गई, जैसे गरौला चीनी मिल सरकारों की गलत नीतियों के चलते बंद हुई। तो हमारी सरकार जब आई है तो पिपराइज चलाई और सब मिलों की व्यवस्था, गन्ने का पेमेंट से सबसे अच्छा हो रहा है। जो पिछली सरकारों में किसानों का गन्ने की घटतौली कहीं कोई शिकायत नहीं, हमारी सरकार में सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन कल सुनने में आया तो तुरंत जिलाधिकारी से बात हुई है, तुरंत मिल चालू हुआ है। किसान कुछ जो लेके गए हैं, फिर सूचनाएँ उनको मिल वालों ने भेजा कि आप आके अपना गन्ना तोलवा दें। विरोधी दल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कुशीनगर आए उन्होंने जगह बदल दी रैली की, इस पर क्या कहते हैं? ये तो कोई बात नहीं है, जगह बदलना कुशीनगर जिले के लिए वो आए थे और कुशीनगर जिले में जहाँ चाहे स्वतंत्र हैं, पार्टी संगठन का काम है जगह तय करना, ये प्रधानमंत्री जी का काम तो है नहीं। 2014 में पडोना में आके चीनी मिल चलवाने की बात कही थी 100 दिन में, कुछ कानूनी अड़चन के चलते वो मिल नहीं चली, नहीं तो वो भी मिल चालू हो गई धरती। अब क्या लग रहा है नई सरकार बनेगी? तो एकदम उस पर प्रयास चल रहा है और प्रभु की इच्छा हुई तो निश्चित वो मिल चलेगी, इसमें कहीं सकते। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।